क्या ला था अभी? हालात ये था कि बॉडी बीच में पड़ी थी, कैमरे से चेक करा था तो इसमें एक तो बस आ रही है, दो छोटी गाड़ी आ रही हैं और एक ट्रक भी आ रहा है। मतलब पुलिस वाले के हाथ खराब हो गए थे खून में, तो पानी मांगने के लिए गाड़ी नहीं रुकी वहाँ पे कोई। अमानवीय लोग भी धरती के ऊपर ही रवे है। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हूँ झलको झुंझुनू। और रात में लगभग 11 बजे के आसपास भीड़ को जो चेक पोस्ट है इससे लगभग 200-300 मीटर आगे है बगड़ की तरफ एक एक्सीडेंट हुआ है। और भी के बाद में जगह सबसे बेकार जी की बात हो भाई होगी, जगह वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, वो साधन बड़े रुके कोने है, मदद भी इंसान की कौन करे और बाइया वजह है कि भी आदमी की मौत हो जाए, बहुत ही अफाखसका की बहुत ही गलत यह बात है। और क्योंकि बार बार सरकार इस चीज ने लेगी कानून भी बढ़ावा कि अगर थे कोई की हेल्प नहीं करे, अगर बड़े से भागने की कोशिश करी तो मैंने सजा भी है, लेकिन भी का बावजूद भी जगह लोग हैं कोई की जान के साथ में हिसाब से खेल जाए, उनको परिवार उन्होंने मौजूद है और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि अभी प्रशासन अंत तक आए होगी की इनकी मांग है और अभी तक जगह जाँच अब तक पहुंची है। राम राम जी, क्या नाम बताओ? संदीप वालन नाम है। संदीप जी मृतक का क्या लागू थे? भाई लागू बड़ो के नाम को योगेश वालन। क्या काम करे? बे मिस्त्री है गाड़िया का। अच्छा, रात में 11 बजे खड़े से आ रहे? बे बगड़ से आ रहे हैं। अच्छा, बगड़ काम करेंगे? ना, पंचदेव के नीचे काम करे। बगड़ बगड़ में कुछ काम से गया होगा, बताई को नहीं। अच्छा, टाइम मैं मेरा घर थाना खबर कब मिली? मैंने खबर मिली 12 बजे। 12 बजे मिली कुंडी थाना? मैंने खबर दी एम्बुलेंस और ये शेर खान जी। शेर खान जी क्या काम करे? शेर खान जी बाकी नोरा में काम करे, बेस आ गई है। अच्छा, एक साथ ही काम करते हैं। साथ में आगे मैं गया तो मेरे पास 12 बजे फोन आया कि एम्बुलेंस वाले का। अच्छा। कि यहाँ पे आपका भाई एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और फिर नंबर परिचित था एम्बुलेंस वाला भी, परिचित था। हाँ हाँ, तो वो कि जानकारी था, रात दिन काम करवाता था वो, इसलिए जानता था। अच्छा। इसलिए उसका फोन आया, फिर मैं गया, फिर जाके देखा तो वहाँ पे एम्बुलेंस में डलवाई बॉडी। अच्छा। और फिर सदर वाले भी आ गए, कोतवाली पुलिस वाले। अच्छा। फिर यहाँ पे ले आए। ये गया भी टाइम बड़े क्या हालात था? हालात ये था कि बॉडी बीच में पड़ी थी और बाइक बीचों बीच, हाँ बाइक एक साइड में थी और पक्की हड्डी बाहर निकली हुई थी, पक्के ऐसे लग रहा कि पक्के बीच में बीच को टायर निकल गए। एक टाइम सांस चल रहा है फिर नहीं, कुछ भी नहीं था ऑन द स्पॉट। बड़े कोई साधन वगैरह रुक रहे आगे? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एम्बुलेंस खड़ी थी, मैं गया था। प्रशासन भी था आगे, बड़े आया है प्रशासन को क्या करना? प्रशासन कुछ नहीं, वो लेके आ गए यहाँ पे और कुछ नहीं करना, उसका सांत्वना दे दी उसने और क्या है, कुछ नहीं है। आए दिन वहाँ पे होते हैं हादसे और रात दिन हादसे होते हैं वहाँ पे, बहुत खतरनाक जगह है वो। देखो खतरनाक जगह है, हादसा हुआ है तो भी चीज को भी कोई सोल्यूशन हुआ है, चाहे ब्रेकर वेपर कोने हुई, लेकिन अगर यहाँ की जगह है तो बड़े अपन करना भी पड़े। लेकिन मेन जगह की बात मेरे के अंदर समझदारी भाई आ रही है कि कोई एक्सीडेंट अगर हो भी जाए गलती से भी, क्योंकि कई बार इंसान हुआ है और इंसान के अंदर जो वो नींद जाएगी चीजा भी हुई, लेकिन अगर रुकना चाहिए कौन चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए, तो उस टाइम कोई नहीं था। हिस्ट्री वगैरह चेक करी कि भाई कौन सो के साधन हो? कैमरे से चेक करा था तो इसमें एक तो बस आ रही है, दो छोटी गाड़ी आ रही हैं और एक ट्रक भी आ रहा है, तो शक तो ज्यादा करके 70% उस पे बस पे है। बस इतनी स्पीड से गई थी तो होटल वाले बता रहे थे कि बहुत ज्यादा स्पीड से गई थी वो। तो नंबर वगैरह आया किसी? नहीं, उसमें कुछ नहीं आया नंबर वगैरह, कुछ नहीं है। तो आगे है जगह बड़ा, जगह पुलिस का जगह लाग रहे हैं कैमरा बंद करना। हाँ, उसके अंदर तो आए जाएंगे, पर निकलवाना पड़ेगा, प्रशासन से करेंगे तब निकलेगा वो। तो अभी मैंने बताया उरा कितनी देर से होता है? उरा में तो रात से हम तो करीबन 12 बजे से, रात को 12 बजे लेकर आए थे, उस तब से यहीं पे हैं। तो प्रशासन क्या कह रहे हैं अभी? प्रशासन फिलहाल तो कुछ नहीं आया, कोई आया नहीं प्रशासन, कोई आया ही नहीं, नहीं आया फिलहाल, कोई भी नहीं आया, उसका इंतजार है, कोई नहीं आया फिलहाल। एफआईआर करवा दी थे? एफआईआर तो रात को वो लिख के ले गए थे वही, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमें ऐसा बोला गया कि प्रशासन यहाँ आएगा तो यहाँ एफआईआर लिखाई जाएगी। अच्छा, कब आओगे फिर? अभी तक तो आया नहीं, अभी अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था। अब किसका आया था ये पता नहीं, मेरे पास नंबर है, उसने बोला कि सदर थाना से बोल रहा हूँ मैं अभी आपके पास आता हूँ। देर होने के बाद में कहेगी वो जितना जल्दी हो उसका, जितना जल्दी साधन का नंबर निकाल के बाहर पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। एक एक्सीडेंट को मामलों सामने आया थे भी उन्हें मौजूद हो, सरकार बार बार कानून भी बढ़ावा कि अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो बड़े से भागनों को नहीं, भागोगा तो की सजा भी है, फिर भी यहाँ की चीज़ें खासतौर पर झुंझुनू जाएगा शहर में क्यों हो जाएंगी? देखो अमानवीय लोग भी धरती के ऊपर ही रवे है और जी प्रकार की घटना योगेश के साथ रात में हुई है, बहुत ही मतलब हृदय विदारक घटना है। और प्रशासन भी और आंख मूंद के बैठे हुए पुलिस प्रशासन ने तभी बात को पतो है कि बार बार कमाईने भी स्थान के ऊपर दुर्घटना हो रही है और वो एक यहाँ कोई स्थान है कि बिना यहाँ खुल्लो छोड़ रहा क्यों है कि कोई भी वाहन तेजी के साथ और लापरवाही के साथ निकले है बड़े से, तो बड़े कोई ब्रेकर या रोड ने चोरी करके ए प्रकार को कोई साधन बड़े करना चाहे हो कि लगातार जो दुर्घटना बड़े हो रही है बी के ऊपर अवरोध लग गए बिना रोक सका और बहुत गलत हो है बहुत ही। और फिर वे बाद के महीने पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, जबकि आज पूरों को पूरों शहर चारों तरफ से और सीसीटीवी कैमरा से लेस है
क्योंकि बाद का मायने इतनी बड़ी लापरवाही गलत है। पुलिस प्रशासन ने एकदम तत्परता के साथ तुरंत और जी भी वाहन के द्वारा और यह घटना करी गई है, अभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई। एक तो घटना और भी के बाद में बड़े से भागड़ो अमानवीयता को परिदृश्य है पूरो को पूरो। एक साल और भी लगो जैसे बताया कि पहले ही भी को सोल्यूशन होना चाहिए, को ब्रेकर्स है फिर कोई बैरिकेड लगा के वो एक पहले को साधन हो, लेकिन एक्सीडेंट होगा भी के बाद में थानको लगा कि भाई पुलिस जी के अगर हाथों हाथ एफआईआर लिख के ऊपर कार्रवाई करती, क्योंकि अगर इतना समय अगर आरोपी मिल जाएगा तो वो आपको बचाने का प्रयास भी करा वो और भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे होते, आरोपी है वो भागने में भी सफल हो जाए, छुपने में भी सफल हो जाए, ड्राइवर भी बदल दिया जाए, क्योंकि आप देखा कि आए दिन ड्राइवर चला रहे हो, कोई रवैर 2 रुपया देकर बैंक की जगह बदल कर ड्राइवर ने पेश करके और जो आदतन है मायने जेल भेज के गेल चुटा ले। बिल्कुल पुलिस ने हमें तत्परता दिखानी चाहिए, निश्चित रूप से तुरंत मुकदमा दर्ज करके और रात ने ही सीसीटीवी कैमरा खंगालना चाहिए और जो इनके लिए जिम्मेदार है भी के खिलाफ रात ने ही मुकदमा दर्ज करके और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज पूरे सैकड़ा की संख्या में परिजन एकत्रित है, निश्चित रूप से अभी पुलिस और जो अपराधी है भी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके भी ने गिरफ्तार करे, यो काम बना तुरंत करना चाहिए। और साथ के मायने भी हादसे स्थल ने जड़े लगातार घटना होती जा रही है, भी घटना स्थल के ऊपर कोई न कोई को उपाय करे कि कोई और को परिवार नहीं उजड़े, कोई को परिवार है प्रकार से सड़क के ऊपर नहीं आवे, दिशा के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई। और मैं भी आगे सरकार के मायने भी इन चीज की मांग रखूंगा और आगे भेजूंगा कि निश्चित रूप से इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मांगना है तो भाई के लिए रात को मार के चल गया गाड़ी वाला, तो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही यहाँ पे, नहीं सरकार ध्यान दे रही है, सिर्फ सरकार तो एक है उसे करा लो वो करा लो, आदमी कोई चल जाता है घर से तो उनको संभालने नहीं आती है, सुबह से खड़े हम लोग 7 बजे से। प्रशासन को नहीं, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, साथ में देखिए सबसे बड़ी गलती मेरे समझदार भाई आ रही है कि जो को साधन से टक्कर लागो है वो बिन बैठे ही छोड़ के भाग गई हो, कितनी हद तक गलत है। बहुत गलत है, और साधन वाला अभी तक पकड़ा भी नहीं गया, अभी तक प्रशासन सो गया, बस यहाँ छोड़ के चल गए यहाँ पे और प्रशासन सो गया घर पे जाके अपने। कानून के साथ में जगह संस्कार ही में भी खत्म होता जा रहे हैं, सारे खत्म हो गया संस्कार तो। आदमी ने रोज हादसा हो रहा है वहाँ पे भीड़ में, तो रोज हादसा हो रहे हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या तो डिवाइडर होनी चाहिए उसके अंदर या फिर लाइटें लगनी चाहिए बगड़ तक, उस जगह तो रोज हादसे होते हैं, हर एक महीने से हादसा हो जाता है। अभी सुपन चौक कालर का लड़का भी वहीं खत्म हुआ था, सुबह के पास वहीं रात को, वो भी बेचारा रात को ऐसे दम तोड़ देता, ऐसे ही हुआ इसका साथ, मतलब पुलिस वाले के हाथ खराब हो गए थे खून में, तो पानी मांगने के लिए गाड़ी नहीं रुकी वहाँ पे कोई, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ज्यादा गाड़ी रोक रहे थे, पानी की बोतल दो, पानी की बोतल तो कोई दी नहीं, जो को आदमी एक्सीडेंट करके जा रहे हैं ना वो रुक रहे है ना और कोई हेल्प करने को मदद, कोई भी नहीं रुक रहे, बहुत शर्मनाक घटना है ये चीजें। देखिए आज तक आप विदेशों में देखता है और देखता है कि आदमी आदमी के काम को, और अब ये चीजें अपने भारत में खासतौर पर झुंझुनू में भी होने लगी, ज्यादा होने लगी अब तो, बहुत ज्यादा। अभी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि जो भी है मुजरिमों को पकड़ें और आगे जाके कार्रवाई करें और आगे ऐसे हादसे नहीं हों। तो मृतक योगेश जो वो वार्ड नंबर 43 खुर्रा का मौला का रहने वाला हो, और सबसे बड़ी जी की बेवकूफी आप खेसका, सबसे बड़ा जो अन्याय आप खेसका की जो को साधन से एक्सीडेंट हुआ है वो बड़े रुकियों को ने बड़े से भागो, भी चीज को सजा को प्रावधान कर भी रखे और सिर्फ प्रावधान से कुछ लोगों जल्दी से जल्दी भी की गिरफ्तारी होगी और भी आदमी सजा मिलेगी, तब मन लागे कि शायद का मामला ही मृतक अंदर कमी है बात की, थारों के मानना है कि अंदर प्रशासन ने कितनी की फुर्ती दिखानी चाहिए और दिखानी कितनी की जरूरी है, हमारा जरूर से बताओगा बिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।